की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या का बदला लेने वाला गैंगस्टर अमित बवाना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है और बाबू कई अहम राज भी खोल रहा है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर अमित बवाना गोल्डी बराड़ और जेल में बंद लॉरेंस से सीधे संपर्क में था, यानी लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे गैंग की कमान को पूरी तरह संभाल रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अमित बवाना ने दिल्ली में फायरिंग की थी। गैंगस्टर अमित बवाना ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पूछताछ के दौरान ये बताया कि वो पिछले लंबे वक्त से लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के सीधे संपर्क में था, किसी को भी टारगेट करना हो अमित ही वो सब कुछ हैंडल कर रहा था। देखिए, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे विश्वास पात्र है बदमाश अमित बवाना, जो कि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी टीम में 4 दिन की कस्टडी में से लिया गया है। कई अहम राज हैं जो इसके सीने में दफन है और उसे ही उगलवाना चाहती है पुलिस। देखिए, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कस्टडी में इस वक्त ये गैंगस्टर अमित बवाना है 4 दिन के लिए पंजाब की पटियाला जेल से इसे रिमांड पर लिया गया है। अब देखिए, लॉरेंस गैंग का ये बेहद खासम खास गुर्गा है, इसे आम आप मत समझ लीजिएगा, और अमित बवाना मामूली गुर्गा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और इसीलिए तमाम जो अहम टारगेट होते हैं उसकी जिम्मेदारी इसे दी जाती है। अमित बवाना को अहम जिम्मेदारी दी जाती है। आपको याद होगा जिस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई था उसे मारा गया था, उस वक्त भी जो दुश्मन थे उनसे बदला लेने की जिम्मेदारी अमित बवाना को ही दी गई थी और उसने इसे बखूबी पूरा भी किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसे कस्टडी में लेकर तमाम जो राज, क्योंकि खासम खास ये है तो तमाम जो राज है वो ये जानता है, अब बस उसे ही उगलवाने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पूछताछ के समय लॉरेंस के गुर्गे ने कई अहम राज उगले हैं। आइए अब आपको एक एक करके गैंगस्टर अमित बवाना को लॉरेंस गैंग में कौन कौन सी बड़ी और अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई वो बताते हैं। दरअसल दिसंबर के महीने अमित बवाना को दिल्ली में 2 टारगेट सौंपे गए थे, जिसके मुताबिक उसे दिल्ली को इन दोनों जगहों पर फायरिंग करवाने के ऑर्डर दिए गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमित का पहला टारगेट वसंत कुंज में ग्रैंड होटल पर फायरिंग करना था और दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो पंजाबी बाग में फरीदकोट के पूर्व MLA दीप मल्होत्रा के घर पर फायरिंग करना था, जिस काम को अंजाम देने के लिए अमित बवाना ने कुछ शूटर्स को दिल्ली का काम सौंपा था। और इसके बाद दिसंबर महीने में 2 शूटर अपने एक टारगेट में कामयाब भी हो गए थे और उन्होंने पंजाबी बाग में फरीदकोट के ex MLA के घर के बाहर फायरिंग की थी। ये दोनों काम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अमित बवाना को पूरा करने के लिए दिए थे और इसी मामले में दिल्ली स्पेशल सेल लॉरेंस के गुर्गे को पटियाला की जेल से PC रिमांड पर लेकर आई थी, क्योंकि यही वो राजदार है जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के कई राज जानता है। दीपक बिष्ट न्यूज 18 इंडिया संवाददाता लाइव मौजूद है, उनके पास चलते हैं। दीपक, कई अहम खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक किस तरीके से टारगेट इनको सौंपे गए थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि लॉरेंस जो इस वक्त गुजरात की हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद भी फोन से लगातार अपने गुर्गे या फिर दूसरे जो गैंगस्टर उसके गैंग से जुड़े हुए हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, वो लगातार उन लोगों तक रंगदारी के लिए कॉल के लिए एक बड़ी लिस्ट सौंपता है। और जो अमित बवाना है ये खासम खास इसलिए है गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, क्योंकि गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की जब हत्या की गई थी तो उसके हत्यारे गुरनान नाम के एक शख्स की हत्या करने के पीछे इसी का हाथ था और इसी ने पूरी टारगेट किलिंग को कंप्लीट किया था और उसके बाद से गोल्डी और लॉरेंस इसके ऊपर खासम खास भरोसा करते थे। लगातार लॉरेंस जो गुजरात की जेल में बंद है वहां से इनको टारगेट देता है कि इस टारगेट के पास जाना है और पर्ची फेंकी जाती बकायदा कि 50 लाख या 20 लाख या 10 लाख और उसके बाद उनके नहीं देने पर फायरिंग करके डराया धमकाया जाता है। इसी वजह से वसंत कुंज इलाके में भी ये टारगेट वहाँ पर फायरिंग करने का था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज की टीम को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद उस फायरिंग करने वाले जो शूटर से उनको गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ में ये पता चला कि अमित बवाना जो पटियाला जेल में बंद है और उसकी लगातार लॉरेंस से बात होती रहती है, वही टारगेट फिक्स करता है और इसी वजह से ये पूरी चेन एक तरीके से चल रही थी और इसी वजह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पटियाला से 4 दिन की कस्टडी में अमित को लेकर दिल्ली आई है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के लगातार संपर्क में था, पिछले महीने दिसंबर में ही उसकी लगातार बातचीत हो रही थी और उस बातचीत में उसने कई टारगेट लिए हैं और कहां कहां पर उन्हें टारगेट फिक्स करने हैं, किसे डराना है, किसे किसके घर पर फायरिंग करनी है, ये सारी जानकारी यहां पर स्पेशल सेल जुटा रही है। दीपक, जेल में रहकर साजिश लॉरेंस बिश्नोई रच रहा है तो और चौंकाने वाला है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हाई सिक्योरिटी सेल है गुजरात की और वहाँ पर साबरमती जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को पिछले काफ़ी समय से रखा गया है। उसके बावजूद भी उसके पास कहीं ना कहीं से फ़ोन उपलब्ध होता है जिसके जरिए वो अपने पूरे गैंग के नेक्सस को आगे बढ़ा रहा है। उस नेटवर्क को आगे बढ़ाने में उसके जो दूसरे गैंगस्टर हैं जो दूसरी जेलों में बंद है, क्योंकि अमित पटियाला जेल में तभी से बंद था जब उसने गोगुली बराड़ के भाई के किलर को मारा था और उसके बाद से ही उसकी लगातार बातचीत हो रही थी। गोल्डी से भी वो बातचीत कर रहा है और उसके अलावा लॉरेंस से भी बातचीत हो रही है। तो जेल के अंदर जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है वो एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि पुलिस की टीमें उससे पूछताछ कर रही है कि किस तरह से कब तक बातचीत होती थी, कितने समय तक, लंबे समय तक बातचीत होती थी, क्या टारगेट मिलते थे, अभी कितने लोगों को और निशाना बनाए जाने का टारगेट है। ये सारी जानकारियाँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त जुटा रही है, क्योंकि बड़ी यहाँ पर कहानी सामने आएगी, क्योंकि कई राज जानता है अमित पहले से ही, क्योंकि गोल्डी और लॉरेंस का खासम खास कहा जाता है, पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है पंजाब में भी। उसके अलावा वो उन लोगों तक जो लॉरेंस और गोल्डी का मैसेज है उसे पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो डराने धमकाने से हो या उसके गुर्गे कहीं पर फायरिंग करके डराते हो, किसी को भी रंगदारी के लिए कॉल्स दी जाती है, तो ये सारा लॉरेंस की तरफ से ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है दीपक।